हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए एक ऐसी बेहतरीन रेमेडी लेकर आई हूँ जिससे आपके बाल बहुत लंबे, घने और मजबूत हो जाएंगे। फ्रेंड्स, जब आप इस रेमेडी का यूज़ करेंगे तो आपके बाल इतने लंबे हो जाएंगे कि आप खुद कमेंट करके मुझे बताएंगे कि ये रेमेडी सच में बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद है। फ्रेंड्स, अगर आप अपने बालों के लिए अलग अलग दवाइयाँ यूज़ करते हैं, अलग अलग तेल यूज़ करते हैं, अलग अलग चीज़ें यूज़ करते हैं, फिर भी आपको फ़र्क नज़र नहीं आ रहा है, फिर भी आपके बालों को फ़र्क नहीं लग रहा है, तो फ्रेंड्स आप इस रेमेडी को यूज़ कीजिए और इस रेमेडी को यूज़ करके आपकी सारी परेशानियाँ दूर हो जाएंगी और आपको निराशा का सामना बिल्कुल नहीं करना पड़ेगा। तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं, पर इसके पहले फ्रेंड्स मैं आपको बताना चाहूँगी कि अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे जल्द से जल्द सब्सक्राइब कीजिए और उसके बराबर में जो बेल आइकन का बटन है उसे प्रेस कीजिए, उसे दबाइए, जिससे कि फ्यूचर में जो भी मेरी आने वाली न्यू वीडियो हो जो वो आप तक जल्द से जल्द सबसे पहले पहुंच सके और आप उसका जल्द से जल्द फायदा उठा सके। तो चलिए इस रेमेडी को बनाना शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, इस रेमेडी में मैं पहली चीज लूंगी विटामिन ई 400 कैप्सूल। फ्रेंड्स, ये आपको कैप्सूल मेडिकल स्टोर पर वो भी बहुत कम दामों में आसानी से मिल जाएगा। आपको इसे पिंच करके इसका जो तेल है वो इसमें डालना है। इस तरीके से फ्रेंड्स आपको इसे इसके तेल को ले लेना है। फ्रेंड्स, ये जो विटामिन ई 400 कैप्सूल होता है ये दिखने में छोटा होता है लेकिन ये हमारे बालों के लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद होता है, हमारे बालों को बहुत ही ज्यादा असर करता है, हमारे बालों को विटामिन देता है। अब फ्रेंड्स इसके बाद मैं इसे मिलाऊंगी एलोवेरा जेल। फ्रेंड्स, आप किसी भी कंपनी का एलोवेरा जेल ले सकते हैं और अगर आपके पास नेचुरल एलोवेरा जेल है तो आप वो भी ले सकते हैं, उससे भी बहुत अच्छा फायदा होगा। तो फ्रेंड्स आपको आधे चम्मच एलोवेरा जेल ऐड करना है इसमें। फ्रेंड्स, ये जो आप देख रहे हैं इसको भी मैं इस रेमेडी में मिक्स करूंगी, इस रेमेडी में मिलाऊंगी, लेकिन उससे पहले हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं इन दोनों को आपस में। फ्रेंड्स, जिस सिलसिलेवार तरीके से मैं इस रेमेडी में चीजों को मिला रही हूँ उसी तरीके से आप चीजों को मिलाइएगा, क्योंकि ये तभी अच्छी तरीके से फायदा कर पाएगी जिस तरीके से मैं आपको बता रही हूँ। अब इसके बाद फ्रेंड्स हम इसमें मिलाएंगे कोकोनट ऑयल। फ्रेंड्स, जो कोकोनट ऑयल होता है वो हमारे बालों के लिए इतना ज्यादा फायदेमंद होता है, इससे प्रोटीन मिलता है, विटामिन मिलता है और वो हमारे बालों को लंबा, घना और मजबूत करने में बहुत ही ज्यादा मदद करता है। तो फ्रेंड्स आप कोकोनट ऑयल एक चम्मच ले लीजिए और इन तीनों को आपस में मिला लीजिए। जो आप इन तीनों को आपस में मिला लेंगे तो ये इस तरीके का दिखेगा। अब इसमें हम अपनी आखिरी चीज ऐड करेंगे जिसके मिलते ही ये रेमेडी पूरी तरीके से तैयार हो जाएगी और इस रेमेडी में पूरी तरीके से जान आ जाएगी और ये रेमेडी बहुत ही ज्यादा खास और असरदार हो जाएगी। तो फ्रेंड्स, ये जो आप देख रहे हैं ये है फ्रेंड्स, इसे बोलते हैं हम कलौंजी। फ्रेंड्स, ये जो कलौंजी है, कहा जाता है कि कलौंजी में ऐसे तत्व पाए जाते हैं, अगर हम कलौंजी को किसी भी चीज में ऐड करके इसे लगा लें तो वो चीज बहुत ही ज्यादा असरदार हो जाती है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने क्या करा है, कलौंजी लेकर उसे बारीक पीस लिया है। आप भी कलौंजी लेकर उसे बारीक पीस लीजिएगा और उसमें एक चम्मच कलौंजी ऐड कर लीजिएगा। अब इसे मिक्स कर लीजिए आपस में। अब ये रेमेडी पूरी तरीके से तैयार हो गई है। फ्रेंड्स, इस रेमेडी को किस तरीके से यूज करना है ये भी मैं आपको बताऊंगी, वीडियो में आखिर तक आप बने रहिए। फ्रेंड्स, अब मैं आपको बताती हूँ कि आपको इसे कैसे यूज करना है। फ्रेंड्स, आपको क्या करना है, रात को सोने से पहले इसे इस तरीके से लेकर अपने हाथों की उंगलियों से लेकर अपने स्कैल्प पर इस तरीके से अपने स्कैल्प पर इसकी मसाज करनी है, अच्छी तरीके से अपने स्कैल्प पर इसकी मसाज करनी है अपने बालों की जड़ों में। जब फ्रेंड्स आपको लगे कि हाँ आपने अपने बालों की जड़ों में इस रेमेडी को, इस मिक्सचर को अच्छी तरीके से लगा लिया है, फिर आप इसे लेकर अपने बालों के ऊपर लगा लीजिए और फिर लगाने के बाद आप सो जाइए। आप सुबह उठकर अपने बालों को वॉश कर लीजिए, आप देखेंगे फ्रेंड्स कि आपको बहुत ही जल्द इसका बेहतरीन असर दिखने लगेगा और आपके बाल लंबे, घने और मजबूत हो जाएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की रेमेडी में यहीं पर खत्म होती है और इस रेमेडी को देखने के बाद फ्रेंड्स शेयर एंड लाइक जरूर कीजिएगा और आपको हमारी वीडियो कैसी लगी नीचे कमेंट करके भी जरूर बताइएगा। और हाँ फ्रेंड्स, चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, तब तक के लिए गुड बाय।